हेलो फ्रेंड, मैं हूँ फहीम। और आज पहला दिन, पहला एक्सपीरियंस, गाड़ी अकबर भाई साथ में। अकबर भाई दिख नहीं रहा, आप थोड़ी इधर हो जाओ। हाय गाइस। तो अकबर भाई साथ में, जो मेरे भाई हैं, जीजू हैं, और दिल्ली से भी यही लाए, और मैं मुंबई से आया हूँ जैसा आपको मालूम है। आज फर्स्ट दिन मैं ट्राई करूँगा। अकबर भाई ने मुझे बताया कि गाड़ी कैसे ऑन करते हैं, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, और स्टार्ट करके देखते हैं। मैं ये सोचता था कि एक दिन में गाड़ी सीख सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि आज फर्स्ट दिन है। आज तो मैं मुंबई से आया हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि संडे तक मैं गाड़ी सीख जाऊँगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाड़ी को ऑन करने का, ऑन करने से पहले देखने का गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं। वेरी गुड। ये गाड़ी, अब इसके में यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं जो अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ। एक होता है ब्रेक, एक होता है क्लच, और एक होता है रेस। बिल्कुल। तो ये साइड में, राइट साइड में रेस है, बीच में ब्रेक है, ब्रेक है, और साइड में लेफ्ट क्लच में है। क्लच है। क्लच है, ठीक है। तीनों चीज़ें दोनों पैरों का मैं यूज़ करने वाला हूँ। राइट पैर जो मेरा यूज़ करेगा वो रेस को और ब्रेक को यूज़ करेगा, और लेफ्ट पैर मेरा क्लच को यूज़ करेगा, बराबर। तो सबसे पहले क्लच दबाने का, जैसे आप बताए, तो मैंने क्लच क्लच दबा के दबा ही स्टार्ट होती है गाड़ी। अच्छा, तो गाड़ी क्लच दबा के ही स्टार्ट होती है। ये गाड़ी क्लच दबा के होती अच्छा, है। ये वाली गाड़ी क्लच दबा के ही स्टार्ट होती है, कोई दूसरी हो जाती होगी वैसा भी। तो मैंने क्लच दबा दिया, क्लच पे पूरा पैर रख दिया। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। मैंने ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी, गाड़ी बढ़िया, भाई आवाज नहीं है, ठीक है। हल्का सा लेफ्ट लेके, लेफ्ट लेके ऊपर ऊपर। अच्छा, तो पहला गियर डाला, लेफ्ट लिया और थोड़ा अप कर दिया, ठीक है। अब स्टेयरिंग हमने पकड़ लिया है, और स्टेयरिंग पकड़ने के बाद अकबर भाई बाजू में बैठे, ज्यादा टेंशन नहीं, और ग्राउंड भी है, तो इसका भी क्लच छोड़ रहा हूं। हमारा ये हैंड ब्रेक ऊपर है, और गाड़ी चलाने के बाजू में यहाँ पे एक हैंड ब्रेक होता है, वो भी आपको दिखा देंगे। उसको नीचे करना है, उसको नीचे करना है, ऐसा ना रहे कि तुमने उसको लॉक करके रखा है, और फिर यहाँ से एक क्लच धीरे धीरे छोड़ना है। तो आज पहली बार आपके साथ में मेरी गाड़ी स्टार्ट होते हुए, भाई सामने बंदा आया है। ये अभी मैं रेस नहीं दे रहा हूँ, ये नॉर्मल इतनी चलती है। अगर गाड़ी को रोकना होता है तो ब्रेक मारना पड़ता ब्रेक मारना है ना? से ब्रेक मारनी। तो ये अभी विदाउट रेस के गाड़ी स्टार्ट है और चल रही है, पहले गियर, पहले गियर में गाड़ी चल रही है। अकबर भाई ने बोला है कि आपको गाड़ी सीखने के लिए पहले पहले गियर में ही गाड़ी रखनी पड़ेगी, और उसके बाद अभी मैं थोड़ा रेस देके ट्राई करता हूँ। अकबर भाई वीडियो नहीं बनाते, नहीं तो अगर दिल्ली से यहाँ तक आने का वीडियो बनाते तो आपको मालूम पड़ जाता। ये अभी मैं यहाँ से थोड़ा, लेकिन अकबर भाई गाड़ी बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार भी डराया नहीं। जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि भाई ऐसा ब्रेक पे ध्यान रखना है, वो बोले फ्री होके चलाओ, कोई दिक्कत ग्राउंड नहीं अच्छा है, हमारा ये और ग्राउंड बड़ा है थोड़ा है। अभी अभी मैं दूसरा गियर डालने का ट्राई करूंगा, तो दूसरा गियर है, क्लच दबा देता हूँ मैं पहले। क्लच दबा के नीचे हल्का सा इसको आप ऐसे हाथ में पकड़ लो भाई, नहीं तो बाजू में ऐसे ही बस, है ना, दोनों दिखते रहे। हाँ, तो अभी भाई ने अपने हाथ में फोन ले लिया है, और अभी मैं पहले इसको थोड़ा आगे करके थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, मतलब मेरे सामने जंग आ रहा है, अभी तो मैं टर्न मार रहा था, ठीक है। अभी अभी तो टायर भी अपने को समझ में नहीं आ रहा, मतलब टायर कहाँ है, ये सीधी चलेगी कि क्या, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हमारे जो बस कार। डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, डरूंगा नहीं भाई। आप मुझे फिर रोड पे कैसे प्रैक्टिस कराओगे, सुबह सुबह? बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने डाला, पहले अकबर भाई ने डाला था, और मैं इसको छोड़ता हूँ आराम आराम से, जैसे भाई ने बताया। और इसको अगर हम फास्ट उठाते ना तो वो गाड़ी बंद हो जाती है। अच्छा, झटके से छोड़ेंगे तो। भाई साहब, अकबर भाई को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, कसम से मेरा ये नसीब है कि मुझे अकबर भाई गाड़ी सिखा रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली से मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये लोगों के रिकॉर्ड है कसम से, कि कभी भी किसी भी टाइम आ जाओ, वो बाइक में भी एक्सपर्ट है, वो दिल्ली से यहाँ पे बाइक से आ जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, हम तो कार में भी थक जाते हैं। और इन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाया है, तुम ही देखो ना, पहले दिन में बंदा जिसने आज तक कभी गाड़ी का स्टेयरिंग भी ना पकड़ा हो, और वो भले ही ग्राउंड में चला रहा है, चला तो रहा है, बराबर ना भाई? बिल्कुल सही है। मतलब आपका क्या रिस्पॉन्स है, सच्ची बताओ, मैं चला सीख जाऊंगा जल्दी। सबसे पहले गाड़ी जब चलाओ ना तो उसको देखो गाड़ी हमारी कितनी लंबी है। अच्छा, उससे हमें आइडिया आता है कि मैं गाड़ी कहाँ रोकूं। अच्छा भाई, मैंने भाई ये जो गाड़ी मैं सीखूंगा, कसम से बोलता हूँ, इसमें कुछ भी बात नहीं, सब पूरा क्रेडिट अकबर भाई को जाएगा, और मुझे अपने ऊपर बहुत ही वो है, मतलब कॉन्फिडेंस होता है ना, बिल्कुल, कि मैं भी एक दिन बहुत अच्छी गाड़ी चलाऊंगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बंदा अपना भी सीख जाता गाड़ी, गाड़ी हो कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेन कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस अकबर भाई से ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उन्होंने बोला भाई मैं सही चला रहा हूँ, थोड़ा फर्स्ट टाइम के हिसाब से। अभी आपने फर्स्ट टाइम स्टेयरिंग पकड़ा है, वो भी
बेस्ट पकड़ रहे हो, मतलब पकड़ने से भी पता चलता है ना भाई। मैं सीख जाऊंगा, मुझे भी लग रहा है क्योंकि मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं। ट्रेनिंग आपने बताया सीधा है बराबर, अभी मुझे टर्न मारना है, ये पावर स्ट्रेनिंग का मतलब आपने बताया बड़े ही प्यार से, बहुत ही प्यार से कर जाते हैं। जो पावर नहीं होता उसमें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, ज्यादातर गाड़ी पावर स्ट्रेनिंग है। अब मैं चाहता हूँ वो जो बीच में पड़ा है ना, वो गाड़ी के दोनों टायरों के बीच में जाए जो कचरा पड़ा है, तो अभी देखो जरा टायर कितना घुमा वो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा आपको, तो मालूम पड़ गया। अभी आपको आइडिया नहीं होगा, धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा, जितना चलाते हैं घटने से बच जाएंगे हम। ठीक है चलो, वो जो उधर वो पन्नी पड़ी है ना, पन्नी को टायर के बीच में लेना है दोनों के, जो मुझे ये देखो मैं सही लिया, सीधी कर दी।